सुन, तू रिया से दूर ही रहे। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है ना मैं रिया से कितना प्यार करता हूँ। अरे सुन भाई, हमें पता है कि तू रिया से कितना प्यार करता है, लेकिन वो तेरे लिए सही नहीं है। अबे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बके जा रहे हो दोनों। सुन, हम ना तेरे दोस्त हैं, तेरा भलाई चाहेंगे। उससे दूर रह, उसी में तेरी भलाई है, समझा? अबे साले कितने कमीने यार तुम लोग। कोई लड़की ने तुम दोनों को घास तो डाला नहीं, तो अपने दोस्त से ही जलोगे। अरे भाई, ये तू क्या बोल रहा है? सुन, मेरी लाइफ मेरे रूल, तुम दोनों को इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझे? अबे रुक जा लबड़े। अबे राहुल, रिया। हाँ बोलो। यार वो तुमने जो पैसे का इंतजाम करने के लिए मुझे बोला था ना, वो हो गया? सच? यार तुम कितने अच्छे हो, दोस्त हो तो ऐसा। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच राहुल। क्या यार, ये दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। वैसे राहुल, हेल्प करने के लिए थैंक यू, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। कोई ना, आराम से पैसे दे देना, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं। ओके राहुल। अरे बहुत लेट हो गया राहुल, तो मैं कल तुमसे पक्का मिलूंगी। थैंक्स फॉर दिस। रिया, ये सब क्या है? अबे तू है कौन? सुन, तुझसे बात हो रही है तो बीच मत पड़, समझा? रिया है कौन ये? पंकज, तुम सेलिब्रेट करो, मैं आती हूँ। राहुल इधर आओ। रिया क्या है ये सब? मतलब यही सब रिया। आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, यानी कि पंकज का, और हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और तुम बीच में आ गए। बॉयफ्रेंड? हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो यार, लेकिन तुमने कभी इसके बारे में जिक्र क्यों नहीं किया मुझसे? और इसमें बताने का क्या था? और वैसे भी मैंने तुमसे जो पैसे लिए थे, वो मैंने इस सब के लिए लिए थे। टेंशन नोट, मैं लौटा दूंगी जल्दी। यार रिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रिया आई लव यू यार, मैंने हमारी केमिस्ट्री देखी है। हम तुमसे मीठी बातें क्या कर ली, तुमसे पैसे क्या ले ली, तुम सर पर चढ़ गए। लिसन, ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। रिया ऐसा नहीं होता यार, मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्तों को छोड़ दिया। मैंने नहीं कहा था तुमसे ये सब करने के लिए, ये तुम्हारा डिसीजन था। और हाँ, आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है? मैं क्या, स्कूल की कोई भी लड़की तुम्हें घास नहीं डालेगी। अरे तुझमें सेल्फ रिस्पेक्ट है भी या नहीं, अभी भी यहाँ खड़ा है? रिया कम ऑन, अपना सारा टाइम उस डफर में वेस्ट मत करो। कमिंग एंड यू गेट लॉस्ट।
ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बता, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अबे यार गलती हो गई भाई, सबसे बड़ी गलती हो गई, पापा के अकाउंट से पैसे निकाल लिए मैंने। मतलब तूने चोरी की है राइट? अब तुझे एक बात बताऊँ, ये सब मुझे पहले ही पता था, कल तेरे पापा का फोन आया था, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। अबे तू पागल हो गया क्या, क्यों बताया घर पे सब कुछ? भाई ये जरूरी था। और क्या? तेरे पापा प्रिंसिपल ऑफिस में है। फक यार, तुम जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। अबे भाई देख के समझ नहीं आता कि कौन अच्छा दोस्त है तेरा। अबे जाना जाइने वहां पश्चाताप कर जा। मतलब? अबे जाना लवड़े, जा माफी मांग। सर मैं एंटर। मैं तुम्हारे फादर से यही डिस्कस कर रहा था कि जो भी तूने करा है ना, एक्स वाई जेड जो भी रीजन रहा है, वो बहुत गलत है बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा तुझे किसी चीज की कमी होने नहीं दी, जो मांगता था वो लाके देता था, फिर तूने ऐसा क्यों किया? राहुल ये सब करते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? एक बार भी तूने ये सोचना जरूरी नहीं समझा कि हम कैसे कैसे कमाते हैं? एक बार में तूने सारा ट्रस्ट तोड़ दिया। बेटा आप सच बताओगे कि नहीं? सर पापा भाई राहुल, एक्चुअली शर्म इसको नहीं, मेरी बहन को आना चाहिए, जो मेरी बहन ने ये इसके थ्रू काम कराया है। ये लीजिए आपके पैसे जो मेरी बहन ने लिए थे। पता नहीं बच्चे क्यों ऐसा काम करते हैं जिससे अपने माँ बाप का सर नीचे झुक जाता है। सॉरी पापा एंड सॉरी टू एवरीवन। सो ऑलराइट, आई गेस कि राहुल को रियलाइज हो गया कि उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन आप भी अपनी सिस्टर को समझाइए कि उसने जो कराया है ना वो बहुत गलत कराया है। तो लास्ट वार्निंग है आप दोनों के लिए, तो बी केयरफुल अगली बार के लिए। देख भाई अंदर तेरे साथ क्या हुआ वो हमें नहीं पता, बस ये तुझे कुछ देना चाहता है। अरे अब क्या यार, कुछ देना है क्या? चाटा मारने गलती दोबारा मत करना लवड़े।